my tax, my right. Of course, everybody's tax is their right. They have to do it. I put it that way. Not a tax given, tax to be brought back is not that kind of right. Your right, that slogan itself is something which I'd like to talk about later. Magar, ye nara theek hai bhai, magar sachai kya hai? आप बेंगलुरु में बैठ करके तो पूछ रहे हो प्रश्न. बेंगलुरु वाले सब इकट्ठा होकर के अगर बोलते कि माय टैक्स माय राइट, दे दो पैसा बेंगलुरु के लिए. देखा हालात, पानी नहीं है, सड़क साफ नहीं है, और एयरपोर्ट से आने में 1.5 घंटा से ज्यादा होता है. सो बेंगलुरु वाले सब बेंगलुरु के टैक्स को हमारे हक मान करके, अपने हक मान करके, अगर वापस इधर ही खर्च करने के लिए डिमांड किया तो क्या होगा कल्याण कर्नाटका में. सो ये नारेबाजी ठीक है, आराम से बात करने के लिए ठीक लगता है, मगर ये नजरिया बिल्कुल गलत है. हम देश के हित में टैक्स पे करते हैं. हर एक पाए का उपयोग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं डाइवर्ट हो रही है, ये सब के ऊपर प्रश्न पूछो. जितने भी पूछो, किसी से भी पूछो, जवाब देना कर्तव्य होता है. मगर ये उसका गलत तरीके से ट्विस्ट करके माई राइट माई टैक्स माई राइट, देश के हित में नहीं है, किसी का हित में भी नहीं है, यही मेरा मानना है. नहीं, नहीं, लेती ना. एक मिनट, व्हाट वाज दूसरा क्या बोल रहे थे? मैं उसका उन्हीं का उदाहरण ले लेती हूँ. कर्नाटका में जीतने के लिए इतना बड़ा सा प्रॉमिस दे दिए, और तब ही मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में, उसमें मैंने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेट करके बोले 60,000 करोड़ उसका खर्च के लिए पैसा चाहिए होगा. अगर 60,000 करोड़ आपके बजट से ही आप दे पाएंगे, मतलब बाकी सब काम जिसका कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुका है उसको देने के बाद आपके हाथ में 60,000 करोड़ है, तो ये सब आगे बढ़ पाएगा. मगर प्रॉमिस तो जता दिया, उसको निभाने के लिए अभी कहाँ से पैसा आएगा. इसीलिए मुझे याद है डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार जी ने बोला, नहीं नहीं, पैसा मैंने इसको दे दिया इसीलिए डेवलपमेंट को नहीं है. और दूसरी बात भी बोले कि 38,000 करोड़ कुछ मैं दे पाऊंगा, उससे चलाओ काम, मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा उस समय का. फिर शायद उनके एडवाइसर ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट जुलाई 2023 में हुआ, उनके एडवाइसर बसवराज राय रेड्डी अवरू, ही हैड गिवन, चीफ मिनिस्टर के एडवाइसर, यस थैंक यू, उन्होंने ये बात बताया 58,000 करोड़ हम उसके लिए लगा दिया, और वो ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन हो रही है. इसीलिए मैं इसी उदाहरण को उठा करके मैं बोल रही हूँ, एक स्टेट में बर्डन इतना सा हो रही है प्रॉमिसेस देने के कारण, बाकी सब काम डेवलपमेंट के काम रुकावट में आ गए. क्या देश भर का काम और अभी वायदा देने में जनता आपके ऊपर भरोसा रखेगी?